अगर आपने कंज्यूरिंग मूवी देखी हो तो मूवी में आपने इन दो कैरेक्टर्स को जरूर देखा होगा, और आपको ये जानकर हैरानी होगी कि ये दोनों कैरेक्टर्स रियल लाइफ में एग्जिस्ट करते हैं। ये रही उनकी रियल फोटो। दरअसल एडवर्ड और लॉरेन वॉरेन पति पत्नी थे, और इन दोनों ने अपनी पूरी लाइफ पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेशन करने में बिता दी। इन दोनों को इतिहास का सबसे फेमस घोस्ट हंटर या पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर माना जाता है। एड और लॉरेन ने पूरे यूरोप में सबसे चर्चित पैरानॉर्मल केसेस को कवर किया है। एक इंटरव्यू में एड ने बताया कि वो जब 5 साल के थे तो उनको रात में अक्सर रोशनी का बिंदु दिखाई देता था, और तो और उनको अपने पड़ोस में रहने वाली औरत भी दिखाई देती थी। पर असलियत तो ये है कि उस औरत की मौत 1 साल पहले ही हो चुकी थी। बचपन में एड के सपने में उनके पूर्वज आया करते थे, जो एड के जन्म लेने से पहले ही मर चुके थे। यानी कि एड अपने सपने में उन पूर्वजों को देखते थे जिनसे एड कभी मिले ही नहीं। लॉरेन वॉरेन, जो उनकी पत्नी थी, उनका बचपन भी साधारण नहीं था। उन्हें अक्सर वो चीज़ें दिखाई दिया करती थीं जो वहाँ होती ही नहीं थीं। लॉरेन ने एक बार अपने इंटरव्यू में बताया कि वो और उनके कुछ दोस्त एक बड़े पेड़ के नीचे खेल रहे थे, और अचानक उनको पेड़ के ऊपर एक अजीब सा आदमी नजर आया, पर उनके दोस्तों को वहाँ कुछ नहीं दिखाई दिया। जब 1945 में एड और लॉरेन की शादी हुई और उन दोनों को एक दूसरे के पैरानॉर्मल एक्सपीरियंस के बारे में पता चला, तो उन्होंने 1952 में न्यू इंग्लैंड सोसाइटी फॉर साइकिक रिसर्च नाम से एक संस्था बनाई, जिसका काम पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेशन करना था। एनाबेल को तो आप जानते होंगे, ये वही श्रापित डॉल है जिस पर कई मूवीज बन चुकी हैं। तो इस डॉल का जो एक्सोरसिज्म था, वो इन्हीं दोनों ने साल 1968 में किया था। ये असली एनाबेल डॉल आज भी वॉरेन के म्यूजियम में रखी हुई है। वॉरेन कपल को 1975 में न्यूयॉर्क में हुए माइटी विले हॉरर के लिए जाना जाता है। इस घटना में न्यूयॉर्क में रहने वाले कपल जॉर्ज और कैटी लुइज ने दावा किया कि उन्होंने जो नया घर खरीदा है उसमें एक बहुत ही पावरफुल प्रेत आत्मा पहले से ही रहती है, और आत्मा ने इन दोनों को इतना डरा दिया कि वो लोग अपने घर के बाहर रहने पर मजबूर हो गए। बाद में लंदन से न्यूयॉर्क तक एड और लॉरेन को बुलाया गया, क्योंकि और कोई भी दूसरा पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर घर में जाने को तैयार नहीं था। एड ने खुद अपनी लिखी हुई बुक द एक्स्ट्राऑर्डिनरी करियर ऑफ एड एंड लॉरेन में बताया कि उन्होंने माइटी विले में जो नेगेटिव एनर्जी महसूस की, वैसी पावर उन्होंने अपने पूरे करियर में नहीं देखी। ये घटना न्यूयॉर्क में बहुत फेमस हुई थी, और माइटी विले पर पूरा एक आर्टिकल छापा गया था द न्यूयॉर्क टाइम्स न्यूज़पेपर में। आपको एक बात जानकर और भी हैरानी होगी कि एड और लॉरेन ने अपने पूरे करियर में कभी भी किसी भी क्लाइंट से पैसे नहीं लिए। मतलब वो दोनों एक्सोरसिज्म और पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेशन का काम बिल्कुल फ्री में करते थे, सिर्फ लोगों की मदद करने के लिए। और जानकारी के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जा सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। फिर से मिलेंगे एक नए एपिसोड में, तब तक के लिए नमस्कार।